अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। तो हमारा जो आर क्यू होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आर क्यू। तो ये जो हमारा होता है वो हमारा डिवीजन होता है सी ओ टू कंजप्शन का डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है। अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट होता है वो वन होता है। हमारे जो फैट्स हैं उनका जो आर क्यू होता है दैट इज 0.70। एंड हमारे प्रोटीन्स का जो आर क्यू होता है दैट इज 0.80, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी हैं और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू एंजॉयड इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।